हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, आज है 19 अक्टूबर और रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है, जिससे बहुत बड़ी संख्या में छात्रों को जो है वो झटका लगने वाला है। क्योंकि देखो, जैसा कि आपको बताया कि ये भर्ती पहले ही बहुत ज़्यादा डिले हो चुकी है। 2019 की वैकेंसी को अगर आप 2023 में भी क्लियर नहीं कर पा रहे हो, और अगर स्टूडेंट उसके लिए सवाल जवाब करता है तो उस पर भी आपको धमकी दी जाती है। तो क्या है पूरा अपडेट, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना रेलवे से जुड़ी पल पल की ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए। देखो, यहाँ पर जो नोटिस है ये बेसिकली साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली की तरफ से जारी किया गया है। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि हुबली की तरफ से स्टूडेंट को कॉपरेट ज़्यादा नहीं किया जाता है। 18 तारीख का नोटिस है, अटेंशन फॉर ऑल कैंडिडेट ऑफ CN नंबर RRC 1/2019, यानी कि ग्रुप डी के लिए बोला जा रहा है, हु हैव बीन एम्पैनल्ड वेटिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी कि ये नोटिस उनके लिए है जिनका पैनल में नाम शामिल हो चुका है और अभी वो फाइनल ज्वाइनिंग के लिए वेट कर रहे हैं। देखो, जब आपकी ज्वाइनिंग होती है उस टाइम पर भी एक छोटा सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होता है, तो इसलिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिखा है। आगे बोला गया, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट कैंडिडेट हैव बीन कम्युनिकेटिंग विद द सीनियर ऑफिसर ऑफ साउथ वेस्टर्न रेलवे ओवर मोबाइल एंड ई मेलिंग सीकिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्टेटस ऑफ पोस्टिंग। जैसा कि आपको बताया कि जब एक स्टूडेंट 2019 में फॉर्म भरता है, 2023 में वो पेपर देता है, PET क्लियर करता है, DV क्लियर करता है, पैनल में उसका नाम भी आ जाता है, लेकिन उसकी ज्वाइनिंग नहीं होती है, तो उसके अंदर तो क्यूरियोसिटी रहेगी कि भाई उसको पता लगे कि उसकी ज्वाइनिंग कब तक होगी, कब उसे जॉब मिलेगी। तो अब स्टूडेंट क्या होते हैं कि परेशान होते हैं। ये किसी एक जोन का हाल नहीं है, सभी जोन का यही हाल है। अब वो हाँ जो है आपका आज जितने भी रेलवे के हेल्पलाइन नंबर हैं उन पर कॉल करते हैं। अब कई बार ऐसा देखा गया है कि रेलवे के जो कर्मचारी जो फ़ोन उठाते हैं उनका भी बात करने का रवैया ठीक न होने के कारण स्टूडेंट भी थोड़ा गलत बोल देते हैं। हालांकि आपको गलत नहीं बोलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जॉब आपकी लगेगी, ठीक है। तो जब थोड़ा बहुत विवाद होता है और कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग कुछ स्टूडेंट करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने अभी ये नोटिस देके कहा है कि इट इज़ ऑल्सो ऑब्जर्व दैट सर्टेन कैंडिडेट आर यूजिंग द लैंग्वेज विट इज़ नॉट वर्थी ऑफ रेलवे सर्वेंट वैन कम्युनिकेटिंग विद सीनियर ऑफिशियल। यानी कि ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल स्टूडेंट करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। प्लीज़ नॉट दैट योर ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट विल बी सेंड टू योर रजिस्टर्ड ई मेल एड्रेस एज पर योर डिविजनल अलॉटमेंट एंड योर टर्न। यानी कि आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो आपको ई मेल के माध्यम से भेजा जाएगा जब आपकी टर्न आएगी। अब ये रेलवे डिसाइड करेगा कि आपकी टर्न कब आएगी, आप नहीं करेंगे। द कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैल बी नोटिफाइड ऑफ द सेम एट एन अप्रोप्रिएट टाइम, टिल सच टाइम प्लीज़ कीप विजिटिंग द ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। ऑल्सो RRC साउथ वेस्टर्न रेलवे यानी कि हुबली वुड लाइक टू ब्रिंग यू योर नोटिस ऑफ केसेज वेयर कैंडिडेट्स हु हैव यूज अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड दियर कैंडिडेचर हैज़ बीन ड्रॉप्ड फॉर सेड नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर ये बड़ा कदम उठाते हुए इन्होंने कहा है कि जिन स्टूडेंट ने इस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग किया है उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। अब ये आइडेंटिफाई मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं, या जब आप कॉल करके पूछते हैं तो अपना नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ उनको बताते हैं तो वहाँ से भी वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इनका कहना है कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और उनके कैंडिडेचर को हम ड्रॉप कर रहे हैं। कैंडिडेट शुड कीप दिस माइंड ड्यूरिंग एंड कम्युनिकेशन विद साउथ वेस्टर्न रेलवे। तो सीधा सीधा ये छात्रों को एक धमकी है रेलवे की तरफ से कि लैंग्वेज सही रखो, अदरवाइज आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। हो सकता है कि ये जिन स्टूडेंट की बात हो रही है उनका सच में ये रद्द कर दें या फिर उनको एक मौका मिले, उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन यहां पर ये एक तरह से रेलवे की तानाशाही आपको देखने को मिल रही है। थोड़ा छात्रों को भी ध्यान रखना चाहिए, जब आप कोई बात पूछते हैं तो अपनी बात को आप सही लैंग्वेज के साथ रखें, उसको रिकॉर्ड भी करें ताकि फ्यूचर में आप पे कोई ब्लेम ना आए। पर गाली वगैरह देने से आपका ही नुकसान है, क्योंकि रेलवे यहाँ पर देखो, आप लोग इस तरह के नोटिस जारी करके आपका कैंडिडेचर भी ड्रॉप कर सकता है और आपकी 5 से 6 सालों की जो मेहनत है उसको बर्बाद भी कर सकता है, ठीक है। और ये हाल लगभग सभी जोन में है। 2019 की ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हो पा रही है, नई वैकेंसी का कुछ पता नहीं है, तो रेलवे की जो व्यवस्था है उसके बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। बाकी आप किस बारे में जो भी राय है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं।